रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने जगाधरी, साढ़ोरा समेत कई विधानसभाओं में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चंद्रशेखर रावण ने जगाधरी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के जगाधरी से प्रत्याशी अशोक कश्यप के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जननायक जनता पार्टी को लेकर कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि जजपा ने जो किया उसको लेकर लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना गुस्सा दिखाया। जननायक जनता पार्टी के लगातार विधायकों और नेताओं के पार्टी छोड़ने पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि धीरे धीरे जननायक जनता पार्टी के सभी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी को संभालने के लिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ी तो हम सरकार बनाने में सहयोग भी करेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री तो कई बार बन चुके हैं, इस बार आजाद समाज पार्टी को भी मौका दीजिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। से कह रहा हूँ, चुनाव के बाद के अलायंस परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। मैंने वो अलायंस नहीं किया है, ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। जो उन्होंने किया, जनता ने उसका गुस्सा लोकसभा में उनसे निकाला। लोकसभा और विधानसभा एक अलग अलग चुनाव है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमने काम किया है। जहाँ आप उनके नकारात्मक पहलुओं पर जा रहे हैं, हमारे सकारात्मक पहलुओं पर जाइए कि हमने इन सभी मामलों में जान की बाजी लगा के लड़ाई लड़ी है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, शिवसेना जो आज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लंबे समय तक भाजपा के साथ रही है। नीतीश कुमार जी लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं और अभी वो इंडिया अलायंस में प्रमुख चेहरा भी बनने जा रहे थे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से भी समझौता किया है और बहुजन समाज पार्टी ने तो खुद 3 बार बसपा के साथ, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जनता जननायक है, जनता मालिक है, जनता जिसको जनमत देगी। और सोचिए इस बार हम ही ऐसी मजबूत स्थिति में आ जाए कि हमारे जरिए शक्ति का निर्माण हो रहा है हरियाणा में, फिर जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं वो फिर कैसे आंख से आंख मिला पाएंगे। मैं कहता हूं कि हमें मेहनत करने दीजिए और चुनाव रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हम मेहनत करेंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने जनता के बीच जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। और जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का सदस्य नहीं होता। और देश में, पूरे देश के किसान, कमजोरों, नौजवानों, महिलाओं, पहलवानों, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज नहीं उठाई। तो हम सरकार बनाने का काम करेंगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जो भाजपा को रोकना चाहते हैं वो हमें सहयोग करें, वो तो कई बार चीफ मिनिस्टर बनकर देख चुके हैं। इस बार हमारे लोगों को मौका दें और हम बताएंगे वो सरकार कैसे चलती है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।